नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है आज 8 अक्टूबर है और 8 अक्टूबर को आज रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम था। तो पहले शिफ्ट के क्लासेस आप लोगों ने देखे होंगे, सेकंड शिफ्ट का आप लोगों ने देख लिया। अब देख लीजिए तीनों शिफ्ट के मिला के कुल मिला के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए आपके जीएस जीके रीजनिंग और मैथ्स में, और कैसे क्वेश्चन का लेवल था, क्या पेपर टफ आया था, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे अपने वीडियो में। तो पूरी की वीडियो काफ़ी वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, इससे आपको सभी के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इसके अलावा बता दें कि मैं अनअकैडमी पे भी हूँ, अगर आपने मुझे अनअकैडमी पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अनअकैडमी मुझे तुरंत फॉलो कर लीजिए और मेरे बनाए हुए सारे कोर्सेज को जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे चैनल पे मैथ की प्रैक्टिस सेट तो कराता ही कराता हूँ। आपको पता है सुबह सुबह आपको मैथ की प्रैक्टिस सेट मिलती है। चैनल का नया शेड्यूल आपको पता होगा, नया शेड्यूल आपके कम्युनिटी बॉक्स में भी देख सकते हो या फिर चैनल के वीडियो में भी जाके आप नया शेड्यूल देख सकते हो, या फिर आपको मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से आप नया शेड्यूल को देख सकते हैं। नया शेड्यूल देख लीजिए और उसके बाद आपको ये बता दें कि मैंने वहां पे अनअकैडमी शुरू कर दिया क्रैश को, जो काफी महत्वपूर्ण है, तुरंत वहां पे मुझे फॉलो कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं कि आज के पहले शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, दूसरे शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और तीसरे शिफ्ट में कौन क्वेश्चन आए थे। सभी के सभी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण और एकदम रिवाइज भी हो रहे हैं क्वेश्चन, तो बिल्कुल भी ढिलाई मत करिए। और जिनका पेपर है वीडियो को देखते रहिए और क्वेश्चन को देखते रहिए, बिल्कुल वही क्वेश्चन आ रहे हैं और क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंस नहीं हो रहा। ध्यान से देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि भैया क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से जरा, आई इज कल टू आपको दिया है, यानी कि आपको एम्पियर दिया हुआ है, करंट जो दिया है वो दिया है 0.6 एम्पियर, टाइम आपको दिया है 10 मिनट के चल रही है, तो बताइए उसमें कितना आवेश पैदा हुआ। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, ये एक नया फॉर्मूला रेलवे ने पूछ लिया है। अभी तक इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन जो थे वो एलपी में ही आए हुए थे, लेकिन अब रेलवे के ग्रुप डी में भी फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आने लगे हैं। फॉर्मूला होता है आई इज कल टू क्यू अपॉन टी, या फिर आप सिंपली इसको बोल दो क्यू इज कल टू आई टी। ये आपको सिंपली याद रहेगा तो आप याद कर लीजिए, जो भी आपको याद हो दोनों फॉर्मूले से आप उसको देख लीजिए, वही फॉर्मूले से क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, क्या याद करोगे, या तो क्यू इज कल टू आई टी याद कर लीजिए, या तो आई इज कल टू क्यू अपॉन टी याद कर लीजिए। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आई जो एम्पियर की वैल्यू दिया है ना वो 0.6 दिया हुआ है। क्यों आपसे पूछा है, क्यों क्या है, आवेश की मात्रा है। टी कितना लग रहा है, 10 सेकंड, 10 मिनट का टाइम लग रहा है, लेकिन हम इसको सेकंड में चेंज कर देंगे कि क्योंकि एम्पियर के साथ हम सेकंड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 6 और 6 जो 36, तो 360 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ये कुलाम में आ जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत है आपको इस क्वेश्चन में, बस ये फॉर्मूला देखिए, क्योंकि रेलवे में इस फॉर्मूले में क्वेश्चन नहीं आ रहा था लेकिन अब क्वेश्चन आने लगा है। अब हम इसमें याद कैसे करेंगे, अगर आई यानी एम्पियर आपको अगर लास्ट में एम्पियर दिखेगा तो वो आई होगा, मिनट या सेकंड दिख जाएगा तो वो टाइम हो जाएगा। यहाँ तक आप चीज़ें जान लीजिए, मुझे पता कि आपको इसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत होगी, लेकिन आप यहाँ से कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ जीएस के क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक आपसे पूछा था तो वाराणसी को कहा जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूरदर्शन की हेड आपसे पूछा गया था सुप्रिया साहू, ये तीनों सबके मिला के क्वेश्चन है, बहुत ही सारे मेरे पास क्वेश्चन आए हुए हैं, सभी के सभी आप लोग जरूर देख लीजिए। तो दूरदर्शन की हेड कौन है, सुप्रिया साहू, बिल्कुल सही आंसर हो गया। एक क्वेश्चन आया था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को कौन सा सागर वो अलग करता है, तस्मान सागर अलग करता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र के लेखक आपसे पूछा गया तो विष्णु शर्मा जी हैं पंचतंत्र के लेखक, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये पंचतंत्र की कहानी आप लोगों ने बचपन में पढ़ी भी होंगी तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। देखिए शानदार क्वेश्चन आ गया था रेलवे में कि सौर परिवार में कुल मिला के कितने ग्रह हैं, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन में 9 भी दिख रहा होगा, 8 भी दिख रहा होगा, सभी चीज़ें दिख रही होंगी, लेकिन मुझे पता है कि लगभग 40 से 50% बच्चों ने ये लगाया होगा 9 ग्रह होते हैं, लेकिन एक्चुअली में बाद में जो एक ग्रह था उसको हटा दिया गया था और ये आंसर होगा आपका 8। सौर परिवार में कुल कितने ग्रह होते हैं, 8 ग्रह होते हैं, यही क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है, तो देखिए समतल दर्पण की अगर आप बात करोगे तो नाभिक कितनी होती है, अनंत होती है। उत्तल और अवतल की बात करेंगे तो वो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें निकालनी रहेंगी, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फिर आपको दिया रहेंगे, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे ना कि समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है, नाभिक कितनी होती है समतल दर्पण की, अनंत होती है। उगते हुए सूरज की भूमि किसे कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपको पता होगा। जापान को क्या कहा जाता है, जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। एक क्वेश्चन आता है शुष्क सेल में एनोड जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो अगर एनोड की बात करेंगे शुष्क सेल में वो बना होता है कार्बन का, बिल्कुल सही आंसर आप लगा दोगे। अगला आया था हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था कि आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है, तो एड्रिनल जो हार्मोन होता है उसे ही हम लोग आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, यानी ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले पे बात करते हैं, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बेहद सिंपल क्वेश्चन है और शायद ही मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर सही लगाया होगा। जलियांवाला बाग कहाँ पे है, अमृतसर में। आपको पता है यहाँ पे काफ़ी बेहद दर्दनाक घटना हुई थी जलियांवाला बाग में, लोगों को बंद करके दरवाज़ा, सभी लोगों को गोली मार दिया गया था, और अभी भी वो चीज़ें वहाँ पर स्थित, अभी वो कुआँ वहाँ स्थित है जहाँ पर लोग कूद जा रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, और उन्हें वो नहीं पता था कि कुआँ में कूद के कोई जान बचा नहीं सकता बल्कि जान गंवा सकता है। अगला क्वेश्चन आया था सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस में होती है, आपके ऑप्शन इस तरीके से दिए होते, ठोस में होती है, द्रव में होती है, या फिर गैस में होती है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ठोस में होती है। सबसे अधिक ध्वनि जो होती है की चाल कहाँ होती है, ठोस में।
अगला आता है कि पर्ण हरिम। यहाँ पे आप क्या करोगे, पर्ण हरिम कर दोगे, यानी जो पौधे की पत्तियां वगैरह है ना वो उसमें से क्या होता है, क्योंकि आपको पता है पत्तियों से ही क्या होता है आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कंप्लीट होती है। तो पर्ण हरिम में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग। अगला आता है कि कार्य की इकाई बताइए, तो जूल जो होता है वो कार्य की इकाई होता है, और ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, जूल क्या है, कार्य की इकाई हो जाएगा। मैक्सिमम डेंसिटी पूछा था वाटर का कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम बात करेंगे तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर की डेंसिटी होती है यानी घनत्व तो जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, साने मिर्जा की किताब कौन सी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो कौन सी किताब है, एस अगेंस्ट ऑड्स, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चीन के प्रधानमंत्री के बारे में आपसे पूछा था, देखिए अभी तक तो क्या हो रहा था, उन्होंने राष्ट्रपति के बारे में पूछा, क्योंकि चाइना में क्या होता है राष्ट्रपति चीज़ें सारी चीज़ें वहाँ पर राष्ट्रपति के ऊपर रहती हैं, तो आपने लगा दिया होगा, लेकिन अब उसने प्रधानमंत्री के बारे में पूछ लिया, तो प्रधानमंत्री काफ़ी कम लोग को पता था, मेरे पास बच्चों ने मैसेज किया सर प्रधानमंत्री पूछ लिया, मुझे याद ही नहीं था, मेरे इतने आसान आंसर जो गलत क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ सभी देशों को प्रधानमंत्री की सूची दी हुई है अनअकैडमी पर, आप वहाँ से चीज़ों को देख सकते हैं। तो ली किजोंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपको साथ ही ये भी बता दें दोस्तों, अनअकैडमी मैंने मैथ स्टार्ट कर दिया, क्रैश कोर्स बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, और मैंने टॉप 50 क्वेश्चन याद किया स्टार्ट कर दिए, फिजिक्स के टॉप क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए, केमिस्ट्री के टॉप क्वेश्चन, मैथ आपके बायोलॉजी के, नीचे उसमें कई सारे वीडियोज़ के लिंक भी दिए हैं आपको, आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोज़ देख लीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे, उसको बिल्कुल देखना मत भूलेगा। राज्यसभा में पूछा था मैक्सिमम सीट कितनी है, तो कितनी है, 250 मेंबर्स की सीट है, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि येलो नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, तो यूएसए जो है वो बिल्कुल सही आंसर आप लगा दोगे। मद्रास हाईकोर्ट के जज के बारे में पूछ लिया गया, अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक वो क्वेश्चन में आपसे पूछे थे कि भैया जम्मू कश्मीर के हाईकोर्ट के जज के बारे में पूछे थे, लेकिन अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया मद्रास के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम, तो कौन है, वी के तहिल रामन जी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और भी क्वेश्चन में बात करेंगे, बहुत ही सारे मेरे पास क्वेश्चन आए हुए, तो सुबह से आपको पता होगा आपने पहली शिफ्ट की एनालिसिस देखे होंगे, दूसरे के देखे होंगे और तीसरों के देखे होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैथ की अलग से वीडियो अगर आप कहोगे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं तुरंत बना देता हूँ मैथ के अलग वीडियो, क्योंकि मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन है, तो अलग मैं वीडियो बना दूंगा। एक्चुअली में नोटिफिकेशन नहीं जाते, सेकंड वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास नहीं गया, तो मुझे प्रीमियर के रूप में चलाना पड़ा ताकि बच्चों के पास नोटिफिकेशन तो चला जाए, नोटिफिकेशन नहीं जाते तो आप वीडियो को नहीं देख पाते, कोई फायदा नहीं होता फिर वीडियो बनाने का, जब आप उसे देख ही ना पाओ क्या फायदा अगर आप वीडियो ना देख पाओ, सीधी सी आधी बात होती है। तो वही चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप मेहनत करोगे, हम भी मेहनत करेंगे, चीज़ें आराम से हो जाएंगी, और एनालिसिस की वीडियो आप देखिए कोई दिक्कत नहीं है, सभी चीज़ें आपको यहीं पर मिल जाएंगी, कहीं और जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, कंप्लीट एकदम एनालिसिस 100% जो क्वेश्चन सही होते हैं वही हम आपको खाली देते हैं, ठीक है। बाकी देखते हैं, बहुत सारे चैनल हैं 2 बजे का 2:15 बजे वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं, भैया ये क्या है 2:15 बजे वीडियो अपलोड करके क्या कर लोगे। अगला आया दौड़ा 4 अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कोच के क्षेत्र में जाता है, जो महत्वपूर्ण कोच वगैरह है नहीं, जैसे क्रिकेट के कोच हो गए तो उनको दौड़ाचार ही आपको दिख रहा है गुरु का रूप आ रहा है, तो गुरु क्या होंगे, कोच ही होंगे। 7th पे कमीशन के हेड कौन है, तो अशोक कुमार माथुर जी हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रघुवंशम के राइटर के बारे में आपसे पूछ लेगा, तो कौन है, कालिदास जी हैं, किसके, रघुवंशम के राइटर हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रघुवंशम के राइटर कौन है, कालिदास जी, बिल्कुल सही आंसर हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सभी को डिस्कस करते हैं। अगला देखिए आया था हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता कितनी है, तो हृदय जो है ना आपका वो 1 मिनट में 4.5 लीटर रक्त को पंप कर देता है। अब आप सोच सकते हैं कितना बेहतरीन काम है, आपके लगभग ये कहा जाता है जितना आपके शरीर में खून होता है ना उतने रक्त को वो पंप कर देता है, जितना आपके शरीर में खून है उतने रक्त को वो पंप कर देता है, यानी 1 मिनट में वो 4.5 लीटर 5 लीटर रक्त को आपको पूरा का पूरा पंप कर देता है। मायोपिया रोग किससे संबंधित है, तो आपके आँख से संबंधित है, निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया बोलते हैं। हिमालय दर्शन योजना कहाँ चलाई गई थी, तो उत्तराखंड में चलाई गई है, उत्तराखंड ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सी योजना पूछी गई है, हिमालय दर्शन योजना, कहाँ पे, उत्तराखंड, उत्तराखंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले पे आते हैं हम लोग, स्टील की कठोरता प्राप्त करने के लिए उसमें किसकी मात्रा बढ़ा दी जाती है जिससे जो स्टील है ना वो कठोर हो जाए, तो सही आंसर क्या लगाओगे आप सभी लोग, सही आंसर आप लोग लगाओगे कार्बन की, जब कार्बन की हम लोग मात्रा बढ़ा देते हैं तो स्टील जो होता है वो कठोर हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगले पर हम बात करते हैं, देखिए कुल मिला के आपके पास 2 न्यूमेरिकल आए थे काइनेटिक एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको बता दें क्या होता है, K=1/2 mv², यही होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। m क्या है, मास है, v क्या है आपका, यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मात्रा किस में होता है, न्यूटन मीटर पर सेकंड में रहेगा, ठीक है, किस में रहेगा, मीटर पर सेकंड में, अगर मीटर पर सेकंड में दिखेगा तो आप क्या कर दोगे उसको वेलोसिटी मान लोगे, ग्राम या किलोग्राम में रहेगा तो आप उसको क्या मानोगे, उसको आप मान लोगे कि वो मास दिया है। तो बच्चों को कन्फ्यूजन यही होती है कि आखिर वो के किसको माने, ये सब चीज़ें किसको माने, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप चीज़ों को सॉल्व कर लोगे, कोई भी बड़ी दिक्कत आपको चीज़ों को सॉल्व करने में नहीं आएगी। एक क्वेश्चन देखिए F=ma पे आया था, तो अभी तक रेलवे सिर्फ 2 न्यूमेरिकल के बारे में आपसे पूछा था, K=1/2 mv² और एक आया था F=ma का, यही 2 न्यूमेरिकल अभी तक रेलवे आपसे पूछ रहा था, तो आपको ये भी चीज़ें सॉल्व होने लगी है। F=ma में बेहद सिंपल वो दे दिया था, F क्या होता है, आपका फोर्स होता है, इसका मात्रक न्यूटन होता है, m क्या है, मास है, ग्राम है, किलोग्राम है होगा, और a क्या है, एक्सेलरेशन है। फोर्स ये कितना हो जाएगा 350, m कितना है 70, और a आपसे पूछा है, काट दीजिए आपका आंसर आ गया 5, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो m है वो kg, यहाँ लगा लीजिए kg में होता है।
इतने क्वेश्चंस हो गए, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा था पहला अधातु अल्कली का नाम बताइए, तो आपको पता है जो आपका आवर सारणी है जो पहला ग्रुप है वो क्या होता है, अल्कली हो रहा है, यानी कि क्षारीय धातु है, क्षारीय ग्रुप है वो, ये क्षारीय मृदा धातुओं का ग्रुप है। तो पहला अल्कली अधातु कौन है, हाइड्रोजन है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था कि फलों को प्राकृतिक रूप से अगर पकते हैं, जो फल मानिए अपने अंदर ही बहुत सारे फल पक जाते हैं, जैसे पेड़ पे पके हुए हैं प्राकृतिक रूप से, यानी हमारा उसमें कोई योगदान नहीं, हमने कोई उसको केमिकल नहीं लगाया, तो प्राकृतिक रूप से अगर फल पकते हैं तो उसमें किसका यूज होता है, तो इथाइलिन का होता है। लेकिन अगर वो कृत्रिम रूप से पकते हैं तो एसिटिलीन का यूज किया जाता है, ठीक है। अगर प्राकृतिक रूप से पकते हैं तो इथाइलिन का यूज किया जाता है, लेकिन अगर कृत्रिम रूप से पकते हैं तो किसका यूज किया जाता है, एसिटिलीन का यूज किया जाता है। दोनों चीज़ें आप जान लीजिए। एक क्वेश्चन आया था कि पक्षियों के कितना कच्छ जो होते हैं हृदय में, कितने कच्छ मौजूद होते हैं, तो पक्षियों का जो हृदय होता है कितना कच्छी होता है, दो कच्छी होता है। एम्फीबियन का आपसे पूछ सकता है, जैसे मेढक वगैरह हो गए, तो अगर एम्फीबियन है तो आप ही बताइए भैया, उनका बहुत सारा काम है, ये तो पानी में भी रह रहते हैं, जल में भी रह रहते हैं, जमीन पे भी, तो उनके में तीन हो जाता है। जो मैमल्स, उनका और भी सारा काम है, भाई बच्चे पैदा करना, बच्चों को दूध पिलाना, ये सारे काम है, तो उनके कितने हृदय हो गए, चार हृदय हो गए। ऐसे आप थोड़ा सा याद कर सकते ट्रिक बना के, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ भैया यही आते हैं। एक क्वेश्चन आपके आया था वी एच कल टू आई आर से संबंधित फॉर्मूला था, ये चीज़ें आपके आ रहे हैं क्वेश्चन में, और ये सभी के सभी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन आया कि 2017 का, ठीक है, 2017 की मराठी की बेस्ट मूवी कौन सी थी, कच्चा नींबू, ये बिल्कुल सही आंसर। और आपको बता दें इसे नेशनल अवार्ड मिला है, तो आप ये भी चीज़ें जान सकते हैं कि नेशनल अवार्ड भी इसे मिला हुआ है, आपके लिए बेनिफिट है। देवेंद्र झाझरिया के बारे में पूछा गया था किस खेल से संबंधित है, तो अभी देवेंद्र झाझरिया के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया वो कहाँ के हैं, तो राजस्थान आपने लगाया था, लेकिन अब ये पूछ लिया कि वो किस गेम से संबंधित है, तो कौन से गेम से संबंधित है, वो संबंधित है आपके जेवलिन थ्रोवर से, ठीक है। किस गेम से संबंधित है, जेवलिन थ्रोवर से, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वन इंडियन गर्ल के बारे में पूछा गया तो किसने लिखा है, ये चेतन भगत ने लिखा है, बिल्कुल सही आंसर हो गया। वन इंडियन गर्ल के बारे में पूछा तो किसने लिखा है, उसको लिखा है चेतन भगत ने। पद्म विभूषण से संबंधित आपके पास एक क्वेश्चन आया था कि पद्म विभूषण से संबंधित था, अब वो क्वेश्चन क्या था मुझे एक्चुअली बच्चे ने भेजा नहीं कंप्लीट, तो जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट आएगा मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं 2017 के चेस चैंपियन कौन है, तो तैन जोंगई है। देखिए वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात अलग होती है और चेस चैंपियनशिप की बात अलग है, ठीक है, दोनों में आप लोग कन्फ्यूज मत हो जाइए कि दोनों में क्या लगाएं, कन्फ्यूज हो जाइए। मुद्रा राक्षक के लेखक के बारे में पूछा गया तो विशाख दत्त जो है वो मुद्रा राक्षक के लेखक हैं। अभी आपसे देखिए कालिदास के पुस्तक का नाम पूछा गया था, तो पुस्तक के नाम पूछे जा रहे हैं, सद्भावना पुरस्कार 2018 किसे दिया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो 2018 का सद्भावना पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो कौन है, गोपाल कृष्ण गांधी जी हैं, उन्हें ही दिया गया था 2018 का सद्भावना पुरस्कार। यूएस ओपन के बारे में पूछा गया, 2017 का मेन में सिंगल विनर कौन था यूएस ओपन का, राफेल नडाल है, 2017 2018 दोनों ही इनके हाथ में है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजा कौन बना था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजा बना था। देखिए ये आपका जो प्राचीन इतिहास है उससे आया हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आया था केरल के मुख्यमंत्री का नाम, तो कौन है इस समय, पिनरई विजयन जी हैं केरल के मुख्यमंत्री। उत्तराखंड के राज्यपाल के बारे में पूछा गया तो बेबी रानी मौर्य, बिल्कुल सही आंसर हो गया। देखिए सीईओ से अभी आपका पीछा नहीं छूट रहेगा, सीईओ आपको आपसे पूछा गया किसके, डेल के, तो कौन है, माइकल डेल है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था कि रोम जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ, तो टाइवर नदी के किनारे बसा हुआ आपका रोम सर। मिरर इमेज पूछा गया था बैंक का आपका बना हुआ था, मेरे बच्चे ने बताया कि मिरर, लेकिन खाली उसने अकेले ही भेजा था इसलिए मुझे लगा नहीं कि क्वेश्चन आया होगा। एक क्वेश्चन आया था कौन सी जो फसल है मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, यानी ऐसी फसल जो मृदा में नाइट्रोजन भरती है, यानी मृदा को, जमीन को वो नाइट्रोजन देती है, तो कौन सी ऐसी फल है, कौन सी ऐसी फसल है, तो मटर जो है उस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मटर ही ऐसी फसल है जो मृदा को नाइट्रोजन से भर देती है। लाल और हरी प्रकाश में किसकी तरंग सबसे अधिक होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो लाल प्रकाश और हरी प्रकाश में किसकी तरंग सबसे अधिक होती है, लाल की होती है, तो लाल जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सुल्तान अजलन शाह हॉकी का खिताब किसने जीता, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, सही आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने ही सुल्तान अजलन शाह हॉकी खिताब जीता हुआ था। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, हृदय के रक्त करने को हमसे पहले ही हमने बता दिया। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो 1905 ईस्वी में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2017 में भारत की रैंकिंग आपसे पूछा गया, तो भारत की रैंकिंग कौन सी है, भारत की रैंकिंग है 136, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, तो पादप कोशिकाएं जितनी भी होती हैं उन सभी में कोशिकाएं भित्ति पाई जाती है। कृष्ण काच का आपसे पूछा गया संगठक क्या क्या है, तो सेरियम ऑक्साइड और सिल्का, यह है कृष्ण काच का संगठन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रीजनिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, रीजनिंग में आपको पता है स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन से कई सारे क्वेश्चन आए थे, सिलोलॉजिज्म से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, एनालॉजी से लगातार आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आए थे, डायरेक्शन से भी क्वेश्चन आए हैं, क्लॉक से भी आए हैं। देखिए क्लॉक की मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार जानदार और जबरदस्त वीडियो, देख के आपको बिल्कुल ही मजा आ जाएगा। मिरर और वाटर इमेज से आपके पास क्वेश्चन आए थे, तो सारे सारे लगभग टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं।
क्लॉक के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सिर्फ आपको लास्ट वाला क्वेश्चन पहले बता दे, मेज फर्नीचर और कुर्सी में आपसे वेन डायग्राम पूछा था, तो फर्नीचर के अंदर ही दोनों आते हैं, मेज भी आता है और कुर्सी भी आता है, लेकिन मेज और कुर्सी का किसी तरीके से मेलजोल नहीं है, दोनों अलग अलग फर्नीचर्स हैं, तो दोनों का आप अलग अलग लिखेंगे। एक्चुअली हम फर्नीचर्स नहीं बोलते, हम लोग फर्नीचर बोलते हैं, ये भी जान लीजिए इंग्लिश का टर्म है कि कभी भी फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, अगर एजेड से हम सीवाई, एजेड सीवाई से हम बी वाई डी डब्ल्यू बना सकते हैं, तो एच क्यू जे ओ से हम क्या बना सकते हैं। बेहद सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कर रहा है, वो प्लस एक कर रहा है, यहाँ पे वो माइनस एक कर रहा है, तो एच के बाद हम प्लस एक करेंगे तो आई, और क्यू के बाद माइनस एक करेंगे तो पी, इसी तरीके से प्लस एक माइनस दो करते जाएंगे तो हमारा आंसर आई पी के एम आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए मैथ के कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे, मेरे पास मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे और बच्चों ने लगातार मैथ के क्वेश्चन मेरे पास भेजे हुए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आज के दिन मतलब बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चन भेजे। अभी तक इतने सारे मेरे पास क्वेश्चन नहीं आते थे, मैं बच्चों के बाद मैसेज करता था, टेलीग्राम उन्हें कहता था, और हाँ टेलीग्राम से याद आया कि आप लोग क्या करिए, टेलीग्राम देख लीजिए, टेलीग्राम में नीचे मेरा ग्रुप दिया हुआ टेलीग्राम का लिंक का, वो ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रुप है, वहाँ पे आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको बिल्कुल मत छोड़िए, ठीक है। सभी लोग टेलीग्राम वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैथ का एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, आप लोग खुद भी आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोतियों की माला है जिसका 8/8 यानी 1/8 जो पार्ट है वो जमीन पर गिर गया, 2/5 भाग सोफे पर गिर गया, और शेष जो भाग बचा हमारे पास 19 मोती उसमें कुल मिला के बचा, तो मोतियों की कुल संख्या आपसे पूछा है कि कुल संख्या मोतियों की कितनी है। बेहद सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, कैसे लगेगा ध्यान से देखिएगा। देखिए हम मान लेते हैं, अब हम मानेंगे कैसे, 1/8 और 2/5 की भाग हो रही है, बात हो रही है, तो हम नीचे का मल्टीप्लाई करके 40, तो हम मान लेते हैं कुल मिला के मोतियों की संख्या कितनी थी, 40 थी, 40 का 1/8 यानी काट दीजिए 5 मोती जो था वो जमीन पे गिर गया, 40 का 2/5 काट दीजिए 8 × 16 मोती जो था वो आपका सोफे पे गिर गया, 16×5 21 मोती, ये सब खत्म हो गया, बच्चा कितने पास आपका 19, और 19 ही क्वेश्चन में बता रहा कि बच्चा हुआ, यानी एक्चुअली में क्वेश्चन में 40 मोती होगा तभी तो सब बराबर आ गया, तो 40 मोती यहाँ पे क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो गया, तो दोनों चीज़ें आपकी इक्वल हो गई, यानी जो आपने माना था एक्चुअली में वही क्या हो गया, क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। अगले बात करते हैं, देखिए एक क्वेश्चन आया था, इन रेडियस बताना था यानी अंतर त्रिज्या बताना था, एक त्रिभुज था, वो त्रिभुज आपका था राइट एंगल ट्रायंगल था, ये 3, 4, 5 दिया था, तो बेहद सिंपल क्वेश्चन है, दो आपके तरीके होते हैं त्रिभुज का अगर अंतर्वृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है, पहला तो आपको ये यानी आधार प्लस ऊंचाई बटे -5 आप कर दीजिए, उसमें से कर्ण बटे 2 कर दीजिए, यानी 4+3 -5/2, 4×3 7 में से 5 गया तो 2/2 1 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। एक ये फार्मूले से आप क्वेश्चन लगा सकते हो, एक दूसरा ये फार्मूले से लगा सकते हो कि भैया देखिए आर इक्वल टू होता है डेल्टा पान एस, डेल्टा क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एस क्या है तीनों साइड का सम बाय 2, एस क्या है आपका सेमी पेरीमीटर है, अर्ध परिमाप है, आप ये फार्मूला लगा सकते थे, दोनों तरीके से लगा सकते थे, दोनों में से जो भी लग जाएगा वो आपका आंसर सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और आपके एग्जाम में आया हुआ तो देख लीजिए, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का माध्य बताने के लिए सबसे पहले तो हमको उनका योग बताना पड़ेगा, अगर लगातार संख्याएं होती तो उनका योग क्या होता है n+1/2 होता है, माध्य बताना तो जितनी संख्या होती है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो कुल मिला के एन संख्याएं हो गई हैं, तो एन से एन आपका कट गया और माध्य कितना हो गया n+1/2 यानी कि 50+1=51 यानी कि 25.5। बस बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था, आपका आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग, सभी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन आया था कि ए किसी काम को करता है 1.5 दिन में, बी करता 8 दिन में, और सी करता 12 दिन में, तो अगर ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए कैसे निकालेंगे, 1.5 मतलब क्या होता है 13×26=27/2, बी हो गया आपका 8 और सी हो गया आपके पास 12, एलसीएम कैसे लेंगे, 27 हमको एक दिख रहा है और एक हमें पास 8 दिख रहा है, ठीक है दोनों चीज़ें हो गई, यहाँ से आप काट लेंगे 8×16 यहाँ पे हो गया, ये हो गया 27 और यहाँ पे आपका आ गया 18, तो तीनों मिला के एफिशिएंसी कितनी है, पूरा काम है 27×8 हमारा पूरा काम आ गया, एफिशिएंसी कितना है 8×7=15, 6=21 और 2×2=4=6, ये आपका आंसर आ गया, तीनों मिलके इतने दिन में पूरा काम कर देंगे आराम से, कोई चीज़ कट पिट नहीं रहा तो आपको काटने पिटने की जरूरत भी नहीं है। तो इतने सारे मेरे पास क्वेश्चन आए हुए थे मैथ के, अगर आप कहोगे नीचे कमेंट बॉक्स में तो मैं एक अलग वीडियो बना देता हूं, जो आप देख लीजिएगा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो मुझे आशा कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, और देखिए करिए इस चैनल को लाइक कर दीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।